الله, و الله, و الله, و الله الله و الله 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 السلام عليكم ورحمه الله وبركاته اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري वाहल़द तमिलसानी यफ़ाह कौली रबन अल फ़ नाफीन आमीन क्या हाल है आप सबके उम्मीद करती हूँ बिल्कुल खैरियत से होंगे दुआ ला सप्ला हमेशा आपको अपनी हिस्सुमान में रखे हर बीमारी हर शर और हर फितने से बचा के रखे आपकी जिंदगियों में बहुत सारी खैर बरकत का नज़ुल फरमाए आमीन हमारा सियाम का आज का टॉपिक है कदा, कज़ा रोज़ों के मसाइल फ़र्श रोज़े की कज़ा आइंदा रमज़ान से पहले किसी वक्त भी अदा की जा सकती है यानी जो रोज़े आपके छूट जाएँ उनको अगले साल रमज़ान से पहले ज़रूर रख लेना चाहिए अनायशतअालत कानकून सोमु मिनदान फबा अस्त अन्अदिया शाबान मुतफ़न अलई हज़रत आयशा रज़ी अल्लाउन्हा कहती हैं मुझ पर रमज़ान के रोज़े बाकी रहते यानि रोज़े छूट जाते यानी हैज़ की वजह से और कज़ा रोज़े शाबान से पहले रखने का मौका ना पाती इसे बुखारी और मुस्लिम ने रवायत किया है यानी हमने बात की ना कि फर्ज रोज़े के जो कज़ा रोज़े हैं वो अगले रमज़ान से पहले रखने चाहिए तो वो पूरा साल जो है ना रख पाती और शबान के बाद तो फिर रमज़ान आ जाना था तो फिर शाबान में रख लिया करती थी अगली हदीस है फर्ज रोज़ों की कज़ा मुतफ्रक तौर पर या लगातार दोनों तरह जायज़ है यानी आप छोड़ छोड़ कर भी रख सकते हैं और मसलसल लगातार इकट्ठे भी रख सकते हैं अन आयशतालत नज़लत फ़ायदा तुम मिन अया मिन उखर मतबियातन फ़त मतबिया रवाऊ दार्कनी हज़रत आयशा रज़ी अल्लाहा फरमाती हैं रोज़ों के बारे में पहले ये आयत नाजिल हुई कि कज़ा रोज़े रमज़ान के अलावा दूसरे दिनों में मुसलसल रखे जाएँ लेकिन बाद पे मुसलसल रोज़े रखने का हुक्म ख़त्म हो गया इसे दारुल कुत्नी ने रिवायत किया है ये अल्लाह सुबहाना ताली की तरफ़ से अता करदा बहुत बड़ी सहूलत और आसानी है कि अल्लाह सुबहाना ताली ने अब यह हुक्म दिया कि मुसलसल रोजे रखने की ज़रूरत नहीं है जो कज़ा रोज़े हैं रमज़ान के अलावा दिनों में जब चाहे रख सकते हैं छोड़ छोड़ के भी रख सकते हैं और अगर कोई मुसलसल रखना चाहे तो वो भी किया जा सकता है

दूसरे दिनों में तादाद यानी गिनती पूरी की जाए इसे बुखारी ने रिवायत किया है यानी असल मकसद ये है कि जो रोज़े छूट जाएँ उनको ज़रूर रखना है अगले रमज़ान से पहले अब वो कोई लगातार रखना चाहे तो उसकी मर्ज़ी है कोई अलग अलग रखना चाहे तो भी कोई हरच नहीं इसकी भी इजाज़त है अगली हदीस है बर्रे वाले के कज़ा से उसके वारिस को रखने चाहिए अन आयशा तदी अल्लाउकत क़ौ रसूल सल वसमा मनमा तल ही सयामुन सामा वली मुतफ़ुन अलई हज़रत आयशा रज़ी अल्लाहा ने कहा रसोल्ला सल्ह सरमाया जो शख्स बर जाए और उस पर फ़र्श रोज़े रखने बाकी हों तो उसका वारिस उसकी तरफ़ से कज़ा रोज़े रखे इसे बुखारी और मुस्लिम ने रिवायत किया है वारिस न रखे तो फिर फिदिया देना होगा अगली हदीस है डफली रोज़े की कज़ा अदा करनी वाजिब नहीं अन उम्मी हानि यू क़ौलत लम्हा काना योमुलफ ही फतही جاءت فاطمة فجلست عن يسار رسول الله صلى الله عليه وسلم وأمهاني هاني عن يمينه قالت فجاءت الوليدة بإناء فيه شراب فناولته فشرب منه ثم ناوله أم هاني فشربت منه فقالت या रसूल अल्ला वम लक़द अफ्तर तो वकुंत स्वायन फ़लह आकुंती तगदीना शय क़ालतला क़ाल फ़ला यादी इनकान तव्अ रवाबूद दाऊद हज़रत में हानी रज़ी कहती हैं योम फ़तः यानि फ़तः मक् के रोज़ हज़रत फ़ातम रज़ी अल्लाह रसुल्ल व की बाई तरफ आकर बैठी और मैं यानिम हानी आप के दाएँ तरफ इत में एक लॉन्डी बर्तन लेकर आई जिस में पीने की कोई चीज़ थी लॉन्डी ने वो बर्तन रसोल्ला सल्ला वसलम को दिया आप वसम ने इस बर्तन से पिया फिर वो बर्तन मुझे दिया मैंने भी उसमें से पिया और कहा रसोल्ला सल्ला वलम मेरा रोज़ा था मैंने आपका झूठा पीने के लिए रोज़ा तोड़ दिया आप वसल्लम ने पूछा क्या तुमने कज़ा रोज़ा रखा था मैंने अर्ज़ किया नहीं आप वसल्लम ने अर्शाद फरमाया अगर नफली रोज़ा था तो कोई हर्ज नहीं यानी इसकी कज़ा नहीं लौटानी होगी इसे अबू दाऊद ने रिवायत किया है अगली हदीस है अगर किसी ने बादल की वजह से रोज़ा का बलस वक्त इफ्तार कर लिया यानी रोज़ा इफ्तार होने का जो टाइम था गुब आफ्ताब से पहले ही रोज़ा खोल लिया लेकिन बाद में यकीन हो गया कि सूरज गरूब नहीं हुआ था इस सूरत में कज़ा वाजिब होगी इसी तरह शहरी के वक्त खाना खा लिया और बाद में यकीन हो गया कि सुबह सादिक हो चुकी थी यानी हमने उसके बाद खाया है इस सूरत पे भी कज़ा वाजिब होगी कफ़ारा नहीं यानी शहरी देर से खाई या इफ्तारी ग़लती से जल्दी खा ली تو دونو صورتو مي قزارو زي ہوں گے کفارہ نہیں دینا. أن أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنهما قالت أفترنا على أهدي رسول الله صلى الله عليه وسلم في يوم غيم ثم طلعت الشمس قلت لي هشام أمروا بالقضاء قال بد من ذلك रवाऊ अबन माजा हज़रत असवा बिनते अबी बकर रज़ी अल्लाहुमामा कहती हैं रसोल्ला अलैहि वसल्लम के ज़बाने में एक रोज़ हमने बादल की वजह से रोज़ा इफ्तार कर लिया बाद में सूरज निकल आया। यानी बादल थे उन्हें लगा कि सूरज गुरूब हो गया है इफ्तार कर लिया बादल छट गए और सूरज निकल आया हदीस के एक रावी उसामा कहते हैं मैंने हशाम, दूसरा रावी, जो है उससे पूछा क्या लोगों को इस वजह से कज़ा का हुक्म दिया गया था हशाम ने जवाब दिया कज़ा के बग़ैर कोई चारा नहीं यानि ज़ारा तो रखनी थी इसे इब्ने माजा ने रिवायत किया है लिहाजा ग़लती से शहरी जो है वो देर से की जाए या इफ्तारी जो है वो जल्दी कर ली जाए दोनों सूरतों में कज़ारो जे रखने होंगे और कफ़ारा जो है वो नहीं देना होगा अल्लाह सवरा तला में बेहतरीन अमल की तोफ़ीकता फ़रमाए सुबह नबी हमदी का न शूल इला अल्लांता नस्त फिर का व न तुबूलईक वामक वरहत ला